जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध इतिहासाची पुनरावृत्ती 100% HSC रिझल्ट इन 2022 27 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE 2021 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MHT CET 154 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2021 विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE नीट MHT CET आजच आपली सीट निश्चित करा संपर्क जनता करियर लॉन्चर केयर ऑफ जनता BEd कॉलेज सिव्हिल लाईन चंद्रपूर वेबसाईट www.jclchandrapur.com कॉन्टॅक्ट नंबर 777-001-0466 पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज आहिर 23 जून को जिला विकास कोष के तहत राजौरा तालुका के घिड़शी और चार्ली में आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। उसी प्रकार उन्होंने रामपुर में आरओ वाटर एटीएम और कक्षा का भी उद्घाटन किया। रामपुर स्थित ओपन जिम, सीमेंट रोड, नाला निर्माण व दो स्थानीय मंदिरों के दीवार परिसर व अन्य विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सभापति सुनील उरकुड़े, भाजपा किसान अघाड़ी के जिलाध्यक्ष राजू घरोटे, गिड़शी के सरपंच ऋतु हनुमंते, उप सरपंच राहुल सपाट, चार्ली के सरपंच सुरेंद्र अवारी, उप सरपंच सचिन धांडे, रामपुर की सरपंच वंदना गौरकर, उप सरपंच सुनीता उरकुड़े और सभी ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186 9322899635। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी फूट पड़ गई है। एमवीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने सहयोगी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अजीत पवार कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करते थे, इसके चलते सरकार में बने रहना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में अगर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से एक अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाई है, उसी तरह महाराष्ट्र में एक अग्निपथ केंद्र सरकार ने लाकर खड़ा किया है। कुछ एमएलए और मंत्रियों को ईडी से डराकर शिवसेना में सेंध लगाने का यह काम किया गया है, उनका और अलग से कारण देने की जरूरत नहीं है। गुजरात सरकार और असम की बीजेपी सरकार जिस तरह से शिवसेना के अंदरूनी मामले में आग में घी डालने का काम जो कर रही है वह स्पष्ट है। पटोले ने कहा कि रही बात यह कि यह सब करने के बाद अब जो संख्या बल गुवाहाटी से आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल भी तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर जो गोली चला रही थी, वो गोली चलाने का जब समय आ गया है तो बीजेपी क्यों सामने नहीं आ रही है। ये सब दिखावा है और इसकी आग में महाराष्ट्र की जनता की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा में जलने का पाप बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी की आपस में लड़ाई हुई है और जिस तरह बीजेपी की सरकार गिरी और उसके बाद हमारे नेता सोनिया जी से मिले, चाहे शरद पवार जी हों, उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। एनसीपी का सवाल था जिसके बारे में शिवसेना के एमएलए ने मुद्दा उठाया कि अजीत पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे सामने भी आती थी, हमारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में स्पष्ट कहते थे अगर विपक्ष में बैठना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल BJT का समर्थन करने मिलने के बाद NDA की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन का रास्ता और भी आसान हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बगैर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि यह विचारधारा की लड़ाई है और देश को रबर स्टॉप राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। नवीन पटनायक की पार्टी का समर्थन मिलने के साथ ही ओडिशा के संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू के पास करीब 52% वोट हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 10,86,431 वोट हैं। मुर्मू को मिलने वाले इन संभावित वोटों में से 3,08,000 वोट BJP और उसके सहयोगी सांसदों के हैं।
बीजेडी अध्यक्ष व उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में 64 वर्षीय मुर्मू का साथ दें। फिलहाल इटली की यात्रा पर गए पटनायक ने मुर्मू को उड़ीसा की बेटी बताते हुए उनका समर्थन करने की अपील की। दिल्ली पहुंची द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस दिन दाखिल करेंगी नामांकन। वहीं बुधवार सुबह भुवनेश्वर रचना होने से पहले मुर्मू ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी बाहुल ड्रायरनपुर में शिव मंदिर में तड़के झाड़ू लगाया। अन्य दिनों की तरह ही मुर्मू ने स्नान के बाद मंदिर में की पूजा और नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कही। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा मंगलवार की रात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मुर्मू के नाम की घोषणा किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड+ सुरक्षा मुहैया कराई है। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।